उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने फटी जींस वाले विवादित बयान पर माफी मांग ली है। पिछले दिनों दिए उनके इस बयान पर विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने बहुत बवाल किया था। कांग्रेस ने सीएम के इस्तीफे तक की मांग कर दी थी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि मुझे जींस से एतराज नहीं है, लेकिन मैं उस जींस को कैंची लाकर फाड़ दूं, इससे एतराज है। यदि किसी को लगता है कि फटी जींस ही पहननी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। किसी को इससे बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रावत ने कहा था कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं और घुटनों पर फटी जींस पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं है। इसके बाद से ही इस बयान का विरोध होने लगा था। बता दें कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा था कि मुख्यमंत्री रावत को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सिंह ने कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही सोच महिलाओं के कपड़ों के बारे में ऐसी हो तो उत्तराखंड में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी आरएसएस के खाकी हाफ पैंट वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पुरानी तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हे भगवान, इनके घुटने तो नजर आ रहे हैं। सुनिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने फटी जींस को लेकर आखिर क्या कुछ कहा था। ब्रेकिंग न्यूज, राजबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।